हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल आप सबको वेलकम करती हूँ। और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो कि मैं एमबीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेम को टीच करती हूँ, और उसी तरह ही मैं एमकॉम सेकंड सेमेस्टर के अंदर फोर्थ सेम को टीच कर रही हूँ। तो जो टॉपिक जो है हमारे रह गए हैं, तो उनको हम ऑनलाइन जो है मेरे चैनल शशि अग्रवाल के माध्यम से हम उसको स्टडी करेंगे। वैसे तो मेरे इस चैनल के ऊपर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की 100 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं और आपका सारा सिलेबस ऑलमोस्ट कवर है। बट यहाँ पे मेरी कोशिश ये है कि जैसे मैं आपको क्लास के अंदर टीच करती हूँ डेप्थ के अंदर, गहराई के अंदर, तो यहाँ पे जो सीरीज़ है, जो हमारे टॉपिक जो है रह गए हैं क्लासरूम के अंदर रह गए हैं, क्योंकि हमें इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपको हम लोग जो है यूट्यूब के माध्यम से या आपको किसी भी तरीके से ऑनलाइन जो है आपको टीच करें, तो यहाँ पे आपको डिटेल के अंदर जो है टीच किया जाएगा। एग्ज़ाम के लिए इसी चैनल के अंदर जो है आपके लिए ब्रीफ वीडियोस भी अवेलेबल है, रिटन नोट्स भी जो है मेरे ब्लॉग पे अवेलेबल है, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। और अगर आपको मेरे ये जो एफर्ट्स हैं वो सही लगते हैं तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले स्टूडेंट, आप लोग कैसा फील कर रहे हो, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से क्या है कि आप लोगों को छुट्टियां हो गई हैं, तो आप लोग घर में बैठे छुट्टियां एंजॉय कर रहे होंगे। तो यहाँ पे क्योंकि आपका कोई नुकसान ना हो, तो हमें यूनिवर्सिटी से इंस्ट्रक्शंस हैं, हम लोगों को छुट्टियाँ नहीं हुई, हम लोग कैंपस जा रहे हैं, आप लोगों को मिस भी करते हैं। और हमें क्या है कि इंस्ट्रक्शंस हैं कि हम आप लोग जो है ऑनलाइन की जो रिसोर्सेज हैं उनसे हम आपको टीच करें। और देखो, जो भी व्हाट्सएप ग्रुप जो है हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट्स ने क्रिएट किए हैं, तो आपको जो है ये जो भी कंसर्न टीचर जो है आपको अपने सब्जेक्ट के रिगार्डिंग जो है टॉपिक जो है शेयर करेंगे। और कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर या उस वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर जो है लिख सकते हो। और जो भी आपको नहीं समझ में आता, आप क्लियर कट जो है आप मुझे फ़ोन करके भी बता सकते हो, व्हाट्सएप के अंदर भी शेयर कर सकते हो। तो चलो, आज का हम अपना लेसन जो है ट्रेनिंग शुरू करते हैं। और सबसे पहले देखो क्या है कि क्या जस्टिफिकेशन है, क्यों ऑर्गेनाइजेशन जो है ट्रेनिंग देती हैं। देखो, जैसे अभी आप लोग एमबीए कर रहे हो या एमकॉम कर रहे हो, तो अभी आप लोग फ्रेश हो, आपके पास नॉलेज क्या होगी, थ्योरेटिकली। जब आप ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है कि वहाँ पे काम जो है डिफरेंट तरीके से होता है, क्योंकि हमने सब कुछ सीखा होता है, थ्योरी कंसेप्ट सीखे होते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है, क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इन्वायरमेंट होता है डिफरेंट होता है, ऑर्गेनाइजेशन जब आपको रिक्रूट करती है, आप टोटली फ्रेश होते हो, आपको थ्योरेटिकल नॉलेज के अलावा कोई और पता नहीं होता कि किस तरह से काम करना है। तो ट्रेनिंग के अंदर क्या होता है कि आपको जो आपको जॉब असाइन की गई है वो स्पेसिफिक स्किल जो है सिखाई जाती है। तो उसके पीछे जो लॉजिक होता है, रैशनैलिटी होती है कि ट्रेनिंग क्यों देनी ज़रूरी है, क्योंकि देखो ये एम्प्लॉय के लिए भी बहुत ज़रूरी है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है तो वो एक एसेट जनरेट करती है, क्योंकि एम्प्लॉय जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के एसेट होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को ऊपर तक लेके जा सकते हैं। और एम्प्लॉयज़ की डिवेलपमेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है कि वो काम को सही तरीके से सीखे। अगर सही तरीके से सीखेंगे तो फ्यूचर के अंदर जो है वो अपने आप को डिवेलप कर सकते हैं। चेंजिंग टेक्नोलॉजी, देखो ट्रेनिंग जो है, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, और ट्रेनिंग के द्वारा क्या होता है कि जो जो न्यू प्रोसेस आ रहे हैं या न्यू वेज आ रहे हैं, तो उसके द्वारा एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग के द्वारा जो है जो न्यू मेथड्स हैं, न्यू प्रोसीजर्स हैं, उसके बारे अवेयर करवाया जाता है। और उसी तरह क्या होता है कि आजकल तो जो कस्टमर है डैट इज़ द किंग, और जो भी चीज़ें मैन्युफैक्चर होती हैं वो कस्टमर के रिक्वायरमेंट के मुताबिक मैन्युफैक्चर होती हैं। और कस्टमर जो है बहुत कॉन्शियस हो गए हैं, उनको क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए, और क्वालिटी प्रोडक्ट जो है तभी मैन्युफैक्चर हो सकता है अगर एम्प्लॉय हमारे ट्रेंड है, अगर हमें उनको सही मेथोडोलॉजी पता है और वो सही तरीके से चीज़ों को मैन्युफैक्चर करते हैं। और उसी तरह क्या है कि जो एक होता है कि हम हिट एंड ट्रायल मेथड से सीखते हैं, हमें कुछ नहीं पता और ऑर्गेनाइजेशन भी कोई एफर्ट्स नहीं करती, तो उसमें रिसोर्सेज की वेस्टेज भी होती है और हमें सही मेथोडोलॉजी नहीं पता चलती। लेकिन जब हमें ट्रेनिंग दी जाती है तो उससे क्या होता है कि हमें काम करने का सही मेथोडोलॉजी पता चलती है, हमारी प्रोडक्टिविटी जो है इन्हांस होती है, जिससे क्या होता है कि कॉस्ट कटिंग होती है, हमारे एफिशिएंसी लेवल जो है इन्हांस होता है।
स्टेबल वर्कफोर्स। देखो जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ट्रेनिंग होती है, एम्प्लॉयज़ को पता होता है कि यहाँ पे कैरियर की ग्रोथ है, तो उनको सही मेथड से काम करना भी आता है, कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, और जिससे क्या होता है कि जो वर्कफोर्स है सेटिस्फाइड रहती है, वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के नहीं जाती और एबसेंट भी नहीं होती। और देखो जो ट्रेनिंग का टूल है, ये एक प्लानिंग एंड कंट्रोल का इफेक्टिव टूल है, क्योंकि ये वर्कर्स के अंदर स्किल्स को डिवेलप करता है, फ्यूचर्स के लिए उनको तैयार करता है, प्रमोशन के लिए तैयार करता है, तो हम अपनी वर्कफोर्स को रिटेन भी कर सकते हैं, कंट्रोल भी कर सकते हैं। और उसी तरह ट्रेनिंग के माध्यम से क्या होता है कि जो लोग हैजर्डस प्रोसेस पे काम करते हैं, उनको बताया जाता है कि आपने मशीनों को किस तरह से सेफली हैंडल करना है, कौन से सेफ्टी डिवाइसेस जो है आपने यूज़ करनी है। अब हमने रैशनल अंडरस्टैंड कर लिया, क्योंकि ट्रेनिंग जो है हमें एक स्पेसिफिक स्किल जो है इन्हांस करती है, कि जो मुझे जॉब दी गई है उस जॉब को करने के लिए ये पर्टिकुलर स्किल चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है। देखो ये ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी है जिससे हम नॉलेज और स्किल जो होती है एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए सिखाई जाती है, और ये एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप जो है उनको सिखाया जाता है, टेक्निकल नॉलेज प्रोवाइड की जाती है, ताकि उनकी नॉलेज और स्किल उस पर्टिकुलर काम करने के लिए जो है इंक्रीज हो सके। क्योंकि ट्रेनिंग के अंदर क्या है कि देखो अगर मैं कारपेंटर हूँ तो मुझे कारपेंट्री कैसे करनी है, अगर मैं आर्किटेक्चर हूँ तो मुझे उस रिगार्डिंग जो है ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि मैं अपनी जॉब को अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकूँ। ट्रेनिंग का जो उद्देश्य होता है वर्क कि हम उस काम को बेटर तरीके से कर सकें, हम वो टेक्निक सीखें जिससे क्या है कि हम उस काम को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकें, और ट्रेनिंग से नॉलेज स्किल और एटीट्यूड जो है डिवेलप होता है। ट्रेनिंग जो है डैट इज़ द एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल ऑफ एन एम्प्लॉई फॉर डूइंग ए पर्टिकुलर जॉब। देखो जो ट्रेनिंग है, जैसा मैंने आपको बताया कि जो आप स्पेसिफिक काम कर रहे हो, तो आपको ट्रेनिंग उसी रिगार्डिंग में दी जाती है ताकि आप उस पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म अच्छी तरीके से करना सीख सको। और ये जो है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर भी एक बेटर कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट है, क्योंकि जितनी हमें ट्रेनिंग मिलती है उतनी हम ज़्यादा डिवेल्प होते जाते हैं, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि राइट मेथडोलॉजी क्या है और पर्टिकुलर स्किल जो है हम डेवलप करते हैं। ट्रेनिंग इज एन एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल ऑफ एन एम्प्लॉय फॉर डूइंग ए पर्टिकुलर जॉब। एडविन बी फ्लिपो कहते हैं कि ट्रेनिंग जो है जिसके द्वारा जो एम्प्लॉय है, जो उसको स्पेसिफिक जॉब जो है दी गई है, वो स्पेसिफिक जॉब के रिगार्डिंग ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरह से आपने उस काम को करना है, आपको नॉलेज दी जाती है, आपको स्किल जो है सिखाई जाती है। डेले स्पीच डिफाइन करते हैं ट्रेनिंग इज़ द ऑर्गेनाइज्ड प्रोसीजर बाय विच पीपल लर्न नॉलेज एंड स्किल फॉर डेफिनेट पर्पस। और उसी तरह हम देखते हैं कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द ट्रेनिंग। देखो ट्रेनिंग जो दी जाती है तो उसके अंदर क्लियर कट ऑब्जेक्टिव होता है, स्कोप होता है, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेनिंग है हर जॉब के लिए, जैसे मान लो कोई व्यक्ति सुपरवाइजर लेवल पे है, कोई व्यक्ति क्लर्क लेवल पे है, तो उन दोनों की जो ट्रेनिंग है वो डिफरेंट होगी, क्योंकि ट्रेनिंग के अंदर उसका स्कोप डिफाइन किया जाता है कि इस जॉब के लिए हमने इस तरह की ट्रेनिंग देनी है। ट्रेनिंग टेक्निक जो होती हैं डैट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड विद द नीड एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और यहाँ पे सिस्टमैटिक मैनर के अंदर स्टेप बाय स्टेप, पहले आपको बेसिक चीज़ें, फिर थोड़ी सी मीडियोकर, फिर एडवांस तरीके। तो यहाँ पे एक सिस्टमैटिक मैनर के अंदर पहले आपको बेसिक चीज़ें बताई जाती हैं, और ये एक्चुअल जॉब इन्वायरमेंट के अंदर जो है कंडक्ट की जाती है, और एम्प्लॉयज़ को पूरी एम्पावरमेंट दी जाती है कि वो अपनी स्किल और नॉलेज को इंक्रीज कर सके। और जैसे जैसे हम ट्रेन होते जाते हैं वैसे वैसे हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बढ़ती जाती है। और ट्रेनिंग से क्या होता है कि हमारा एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, स्किल इन्हांस होती है, तो जो हमारे मेंटल ब्लॉक्स होते हैं, एंजाइटीज होती हैं, वो रिमूव होते जाते हैं। और उसी तरह हम सीखते हैं कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रेनिंग। देखो ट्रेनिंग के अंदर जो है जॉब रिलेटेड, जो हम पर्टिकुलर जॉब कर रहे हैं, तो उस जॉब रिलेटेड स्किल जो है प्रोवाइड की जाती है। और यहाँ पे सिस्टमैटिक एंड प्लान वे के अंदर स्टेप बाय स्टेप,
और उसी तरह एटीट्यूड जो है उसके अंदर भी चेंजेस लाई जाती हैं, उसकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को भी बढ़ाया जाता है। और देखो जब ट्रेनिंग दी जाती है तो हमें राइट मेथड सिखाया जाता है। अगर हम हैज़र्डस प्रोसेस पे काम कर रहे हैं तो एक्सीडेंट्स कम हो जाते हैं, हमें सेफ्टी ट्रेनिंग दी जाती है, सेफ्टी डिवाइस कैसे यूज़ करने हैं और जो रिसोर्सेज हैं उसको ऑप्टिममली कैसे यूज़ करना है, वर्कफोर्स को ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाया जाता है और उनके कैरियर की ग्रोथ के लिए अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। अब देखो जो ट्रेनिंग है उसके अंदर क्या क्या कवर होना चाहिए। ट्रेनिंग जो है एम्प्लॉय को उसकी जॉब के साथ फेमिलियर करती है, उसका एप्टीट्यूड, उसकी स्किल एंड एबिलिटी को इन्हांस करती है। और देखो जो न्यूली रिक्रूटेड बंदा होता है, जैसे मैंने एमबीए के बाद देखो जब जॉब ज्वाइन किया था तो मेरी जो जॉब थी वो इम्पोर्ट डिपार्टमेंट के अंदर थी। अब ऑब्वियसली एमबीए के बाद इम्पोर्ट डिपार्टमेंट, तो इम्पोर्ट का तो एबीसी भी नहीं आता था, तो वहाँ पे सिखाया गया कि आपने इम्पोर्ट का जो काम मुझे दिया गया कि किस तरीके से करना है, तो मेक्स न्यूली रिक्रूटेड एम्प्लॉय फुली प्रोडक्टिव इन द मिनिमम ऑफ टाइम। ट्रेनिंग के द्वारा क्या है कि हम एम्प्लॉय को सिखाते हैं कि आपने मिनिमम टाइम के अंदर काम को किस तरह से परफॉर्म करना है। ये नहीं है कि न्यूली रिक्रूटेड को ही दिया जाता है, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को भी दिया जाता है। टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, जो अपडेशन होती है, तो ट्रेनिंग के अंदर क्या है कि उसको कंटिन्यूसली एजुकेट और अपडेट किया जाता है। ट्रेनिंग जो है ये वन स्टेप प्रोसेस नहीं है कि मैंने एक सीख लिया उसके बाद मुझे सीखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डायनामिक इन्वायरमेंट है तो उसके अंदर क्या है कि हमें हमेशा सीखने पड़ता है। तो ट्रेनिंग जो होता है कंटिन्यूशन में दी जाती है ताकि हम कंटिन्यूस बेसिस पे जो है अपनी स्किल को इन्हांस कर सकें। जो ट्रेनिंग का बेसिकली पर्पस जो होता है डैट इज़ टू ब्रिंग अबाउट दी इम्प्रूवमेंट इन दी परफॉर्मेंस ऑफ दी वर्कर। देखो ट्रेनिंग से क्या होता है कि हमें राइट वे पता चलता है, जिससे हम हिट एंड ट्रायल मेथड से नहीं करते, हमें काम को सही तरीके से करते हैं तो हमारी वेस्टेज रिड्यूस हो जाती है। और इसके अंदर ट्रेनिंग जो है हमें ऐसी टेक्निक्स भी बताती हैं जो परफॉर्मेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। अब हम देखते हैं कि कई बार ट्रेनिंग, डिवेलपमेंट, एजुकेशन सेम चीज़ मान जाता है, बट इसके अंदर क्या होता है, डिफरेंस होता है। ट्रेनिंग जो है डेट इज़ ए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू डिवेलप नॉलेज एंड स्किल इन द एम्प्लॉय एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब। जो जॉब, जैसे मैंने इम्पोर्ट डिपार्टमेंट ज्वाइन किया तो जो इम्पोर्ट का काम था, जो मेरा काम था, जो मेरे वर्क के स्कोप के अंदर आता था, मुझे उन चीज़ों की नॉलेज दी गई कि इस तरह से आपने काम करना है। डिवेलपमेंट जो होता है डैट इज़ एन ऑर्गेनाइज एक्टिविटी इन विच द मैन पावर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लर्न एंड ग्रो, इट इज़ ए सेल्फ असेसमेंट एक्ट। देखो डिवेलपमेंट जो होती है ये खुद की मोटिवेशन होती है कि मैंने अपने आप सीखना है। जैसे मैं वहाँ पर इम्पोर्ट के अंदर काम भी करी थी तो उसके साथ ही क्या है कि मैंने सीएस के काम को भी सीखा, और किसके साथ ही क्या है कि मैंने अपनी सीएस की स्टडी भी की। तो डेवलपमेंट जो है एक ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी है जिसके अंदर क्या है कि सेल्फ डेवलपमेंट के लिए हम एफर्ट करते हैं, हम अपनी ओवरऑल पर्सनैलिटी को डेवलप करने की कोशिश करते हैं। ट्रेनिंग जो है यहाँ पर टेक्निकल नॉलेज और स्किल दी जाती है ताकि हम उस जॉब को बेटर वे से कर सके, ये शॉर्ट टर्म होता है। डेवलपमेंट जो होता है ये लॉन्ग टर्म होता है जिसके अंदर क्या होता है कि हमें फ्यूचर के लिए तैयार किया जाता है। अब हम इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर वे में जो है डिफ्रेंशिएट करते हैं। ट्रेनिंग मींस लर्निंग स्किल्स एंड नॉलेज फॉर डूइंग ए पर्टिकुलर जॉब, इससे हमारी जॉब स्किल इन्हांस होती हैं। डिवेलपमेंट का अर्थ होता है कि एम्प्लॉय की हर एक चीज़ के अंदर उसकी पर्सनैलिटी भी डिवेल्प करे, उसकी कम्युनिकेशन भी डिवेल्प करे, उसका इंट्रैक्शन भी डिवेल्प करे। तो डिवेलपमेंट का होता है ओवरऑल डिवेलपमेंट, जो उसकी एटीट्यूड, उसकी थिंकिंग को डिवेल्प करती है। ट्रेनिंग के अंदर स्पेसिफिक स्किल जो है प्रोवाइड की जाती है, और डेवलपमेंट जो है डैट इज़ एसोसिएटेड विद द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द एग्जीक्यूटिव। ट्रेनिंग जो है शॉर्ट टर्म है क्योंकि यहाँ पे हम उस जॉब को किस तरह से करना है, और यहाँ पे कॉम्पिटेंसी स्किल फ्यूचर परफॉर्मेंस के लिए जो है उसको सिखाया जाता है, ये लॉन्ग टर्म होता है। जो ट्रेनिंग है डैट इज़ जॉब सेंटर्ड, जो पर्टिकुलर जॉब हम काम कर रहे हैं उसके बारे में बताती है। ये होता है कि फ्यूचर के अंदर हम जो वेरियस ऑप्शंस हैं उसको, हम वेरियस अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको किस तरह से हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। ट्रेनर जो है उसका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। डेवलपमेंट के अंदर क्या है कि ये सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट है, हमारे अंदर से कितनी मोटिवेशन है कि हम अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। देखो ये ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का जो डिफरेंस है, मैंने इसको इसलिए यहाँ पे इंक्लूड किया है क्योंकि एमकॉम को तो चलो शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं, कई बार वाईवे के अंदर भी क्या होता है कि पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड डेवलपमेंट।
देखो ट्रेनिंग जो है स्पेसिफिक स्किल सिखाती है, और ये हमें स्किल जो है सिखाती है और डेवलप करती है। इसकी प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन होती है, प्रैक्टिकली हमें बताया जाता है कि इस काम को किस तरीके से करना है। इसके अंदर हम जॉब जब करते हैं तब हमें एक्सपीरियंस से क्या होता है कि ट्रेन हो जाते हैं। ये प्रेजेंट जॉब के लिए हमें तैयार करती है, हमारी परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करती है। बट जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो देखो एजुकेशन के अंदर हमें थ्योरी समझाई जाती है, विच इज़ द प्रोसेस ऑफ सिस्टमेटिक लर्निंग, जिसके अंदर हम इंस्टीट्यूशन के अंदर सीखते हैं और जहाँ पे हमें बताया जाता है कि चीज़ों को किस तरह से जज करना है, उनकी रीजनिंग, उनकी थिंकिंग पावर को इन्हांस किया जाता है। और यहाँ पे जो एजुकेशन है ये सबको इक्वली मिलता है, और यहाँ पे थ्रेटिकल कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जो है ज़्यादा फोकस होता है, स्कोप इसका वाइड होता है। ये क्लासरूम के अंदर जो है सिखाया जाता है। ट्रेनिंग जो होती है जब हम जॉब करते हैं तब हम सीखते हैं, जब प्रैक्टिकली हम काम करते हैं। अब हम देखते हैं कि एम्प्लॉयज़ को जो ट्रेनिंग है देना क्यों ज़रूरी है। वाई डू ऑर्गेनाइजेशन ट्रेन एम्प्लॉयज़ क्विक लर्निंग। देखो एक होता है कि हम लोगों को कोई बताता नहीं काम को कैसे करना है, तो हम हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करते हैं, जिसके द्वारा क्या होता है कि बहुत देर बाद हम सीखते हैं। तो जब हमें ट्रेनिंग की जाती है तो एक स्पेसिफिक स्किल सिखाई जाती है, तो डैट इज़ ए क्विक लर्निंग। हमें बताया जाता है राइट वे, और उससे राइट वे पता चलता है तो सोर्सेज की वेस्टेज नहीं होती, प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी इन्हांस होती है। और उसी तरह ट्रेनिंग से क्या होता है कि हर एक एम्प्लॉय को बताया जाता है तो यूनिफॉर्मिटी आ जाती है कि यूनिफॉर्म तरीके से काम करना है। और जब एम्प्लॉय ट्रेन होता है तो उसको सुपरवाइज करने की ज़रूरत नहीं होती, और इकोनॉमिकल ऑपरेशन, क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेज की वेस्टेज कम होती है, हमें बताया जाता है राइट मेथडोलॉजी है तो हम रिसोर्सेज की ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। और यहाँ पे जो मोरल होता है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ को पता होता है कि हमें पता है कि किस काम को किस तरीके से करना है, तो उसका मोरल हाई होता है। और यहाँ पे ट्रेनिंग के द्वारा हमें उसे फ्यूचर जॉब्स के लिए भी तैयार करते हैं और बेटर वे से हम मैनेज कर सकते हैं। व्हाट कैन ट्रेनिंग डू फॉर एम्प्लॉयज? देखो उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है, उनको न्यू चीज़ें सिखाती है, प्रमोशन के रास्ते खोलती है, और नेचुरली जब हमें ट्रेनिंग मिलती है हम बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं तो अर्निंग भी बढ़ जाती है। और उसी तरह जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंजेस होती हैं, अगर हमें ट्रेनिंग रेगुलर बेसिस पे दी जाती है तो बड़ी जल्दी हम उसको अब्सॉर्ब कर लेते हैं। और अगर हम हैजर्डस प्रोसेस पे काम कर रहे हैं तो हमें पता है कि सेफ्टी डिवाइसेस को किस तरीके से हमने यूज़ करना है। और उसी तरह हम देखते हैं कि व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ द ट्रेनिंग। देखो यहाँ पे जब ट्रेनिंग दी जाती है तो उसका उद्देश्य क्या है, और यहाँ पे जो इंडिविजुअलिटी है कि यहाँ पे हमने जो ट्रेनिंग देनी है उस जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है, जो इंडिविजुअल इन्वॉल्व है वो किस जॉब के साथ एसोसिएटेड है। और जितना हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे उतनी हमें जल्दी नॉलेज आती है। और फीडबैक के जब हमें ट्रेनिंग दी जाती है, सिखाया जाता है, तो फीडबैक के अंदर हमें बताना चाहिए कि हमें काम आया कि नहीं आया, क्या इसके अंदर शॉर्टकमिंग है। जो ट्रेनिंग है वो मीनिंगफुल होनी चाहिए, और इसके अंदर स्पेसिफिक स्किल जो है उसके साथ एसोसिएटेड होनी चाहिए, और ये हमें न्यू मेथड्स लर्न करने के अंदर भी जो है अडेप्टेबिलिटी बनाती है। और प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन का अर्थ है कि ये हमें अलग अलग जो है चीज़ें जो है सिखाती है। और उसी तरह हम देखते हैं कि व्हाट आर दी वेरियस स्टेप्स ऑफ दी ट्रेनिंग, आइडेंटिफाई दी ट्रेनिंग नीड्स, डिजाइनिंग दी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, डिलीवरिंग एंड एवेलुएटिंग। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पहले तो ट्रेनिंग नीड्स आइडेंटिफाई करो। ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है तभी एस्टेब्लिश किया जाएगा जब हमें पता होगा कि उसके पीछे लॉजिक क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, किस पर्पज़ के लिए हम ट्रेनिंग देना चाहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस करना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स क्या हैं, ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज क्या हैं, किस तरह से उसकी एलोकेशन की जाती है, ऑपरेशनल एनालिसिस के जो जॉब है उसके अंदर टास्क क्या हैं, किस तरह के वर्कर उसको काम करते हैं, यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका नॉलेज एटीट्यूड और स्किल क्या है। तो ये इसके बेसिस पे ट्रेनिंग नीड जो है आइडेंटिफाई की जाती है कि उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए ये स्किल चाहिए, ये गैप जो है उसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ड्राइविंग द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे नीड आइडेंटिफिकेशन के बाद हमारे जो गैप्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है, ट्रेनिंग के द्वारा हम क्या सिखाना चाहते हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स डिज़ाइन किए जाते हैं जिसके अंदर देखा जाता है कि ट्रेनी कौन से हैं, उनको कितनी ड्यूरेशन की ट्रेनिंग देनी है, ट्रेनर कौन से होंगे, क्या मेथड होगा, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, क्या हमने उनको मटेरियल देना है,
किस लेवल की ट्रेनिंग देनी है, तो यहाँ पे हम प्लानिंग करते हैं, फिर उसके बाद हम उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं। अवैल्यूएशन के अंदर जब हम ट्रेनिंग देते हैं तो उसके अंदर हम देखते हैं कि जो हमने ट्रेनिंग दी है क्या ट्रेनिंग वैसा ही डिज़ायरेबल उसके अंदर जो है चेंजेस ला रहा है, कि वो स्पेसिफिक स्किल एम्प्लॉयज़ ने सीखी हैं या ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के अंदर कोई शॉर्टकमिंग्स थी, और कैसे हम उसको बेटर जो है कर सकते हैं।